हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ, रीडिंग टाइमलेस से। गाइस, जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉल मैसेज ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, पेमेंट करके बुक करना होता है। तो जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ओनली व्हाट्सअप करें। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होते हैं, मतलब नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, ब्रेकअप, सेपरेशन, लेस कॉन्टैक्ट, बातचीत होते हैं लेकिन आपके पर्सन इग्नोर करते हैं आपको, और बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते खुद के प्यार को। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ओवरऑल जिनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर रोज़ आप अपनी पर्सन की एनर्जी को देखने के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं हर रोज़ पोस्ट करती हूँ। ओके, तो चलिए, आज पूर्णिमा है, फुल मून है, तो पूर्णिमा में आपके पर्सन की मन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है मून का, और उनके लाइफ में क्या हो रहा है, इसलिए हम मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स लेंगे, उसके बाद ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिन भी पर्सन को याद करके देख रहे हैं उस पर्सन की आज की एनर्जी कैसा है, मून का क्या इफेक्ट्स पड़ा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के ऊपर, मून का क्या इफेक्ट्स पड़ा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के ऊपर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, तो स्पेशली यहाँ पर राशि लियो का हो सकते हैं आप, या फिर आपके पर्सन लियो हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, और कोई कार्ड आना चाहते हैं और क्या हो रहे हैं। तो मैंने थ्री कार्ड्स लूंगी यहाँ से, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बॉटम द डेक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो मून से जो साइन आए हैं निकल के, लियो, कैंसर एंड पाइसिस, तो यहाँ पर मून का अपना ही दोनों राशि आ चुके हैं, कैंसर एंड पाइसिस, जिनका मून का जो है इफेक्ट्स जो है कैंसर राशि के ऊपर और पाइसिस राशि के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो राशि होते हैं वो वाटर साइन के राशि होते हैं, तो वाटर के साथ मून का एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं जो है समंदर में, आपको पता होगा, जिसके वजह से जो है पूर्णिमा का दिन और न्यू मून के दिन टाइड्स की जो फ्लो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मून जो है कनेक्टेड है वाटर के साथ, तो जिसकी वजह से कैंसर राशि एंड पाइसिस राशि वाटर के साइन है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कैसे आज के दिन में, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पर्सन की राशि या फिर क्या कह सकते हैं आप, राशि या फिर लग्न अगर कैंसर एंड पाइसिस है, तो मून का असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा आज के दिन में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंस सकते हैं, नेगेटिविटी में जा सकते हैं, या फिर अगर आपका राशि कैंसर एंड पाइसिस है तो ये आपके साथ भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप रो भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप हंस सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी होते हैं अगर आप बैलेंस नहीं हैं, ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो जो भी आपके साथ होगा आपका इमोशन जो है ओवरफ्लो करेगा। अगर आप रोते हैं, अपसेट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, रोएंगे, अगर आप हंसते हैं, खिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा करेंगे चीज़ों को, ठीक है, और जो लोग बैलेंस्ड रहेगा वो लोग बैलेंस तरीके से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आज के दिन में, कॉन्फिडेंस इज योर की, तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, आज के दिन में इस न्यू मून में, सॉरी इस फुल मून में जो है आपके पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, साहस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, और वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। और जो भी उनका पर्सनल इशू चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, उनका रिजोल्यूशन आ रहा है, उनका रिजल्ट उनको मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके पर्सन के ऊपर। अगर आपके पर्सन थोड़ा बहुत भी अवेकन है, कुछ ना कुछ सीखे हैं सिचुएशन से, तो ये रिजल्ट आपके पर्सन को ज़रूर दिखेगा,
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आज के दिन में आपके पर्सन इम्पॉसिबल चीजों में भी बिलीव रखेंगे कि डिवाइन है, गॉड है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त मैजिक हो सकता है, मिराकल हो सकता है। तो इस टाइप की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आपके पर्सन बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो दोनों चीज़ों में अगर उनको नॉलेज है, वो बैलेंस्ड है, तब ये एनर्जी उनका है। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर आपके लव्ड वन की एनर्जी ऐसा है कि उनको कॉन्फिडेंट मिल रहा है और वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है जहाँ पर वो डर रहे थे, ठीक है, उस डर से बाहर आ रहे हैं और सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इम्पॉसिबल चीज़ों में भी वो बिलीव रख रहे हैं कि कोई ना कोई सुपर पावर है। ठीक है, जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते थे, वो लोग भी गॉड को बिलीव कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रख रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त हालत चेंज हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई सुपर पावर यहाँ पर है जो दिखता नहीं है, जो विंड की तरह है, हवा की तरह है, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा आपकी एनर्जी है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी भी पिक हो रहे हैं और ऐसा आप लोगों की हो सकते हैं। और जो लोग वाटर साइन के हैं, स्पेशली कैंसर एंड यहाँ पर जो है पाइसिस का अगर आप है, तो आज के दिन में बैलेंस रहने की कोशिश करें, कुछ भी चीज़ों को आप ओवर ना करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर हो रहा है, तो कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपका एनर्जी बैलेंस रहे। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों के पर्सन आज के दिन में दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को और प्रैक्टिकल चीज़ों को वो बैलेंस करेंगे कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी है और हम जीते हैं 3D लाइफ में, 3D दुनिया में। ठीक है, इसके आगे भी कुछ है जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी कैसा है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की आज की एनर्जी कैसा है, क्या कुछ घटित हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में, क्या हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में आज के दिन में क्या हो रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। मैजिशियन मैनिफेस्ट जरूर करें गाइस, आज के दिन में बहुत अच्छा दिन है और आज उल्फ मून है, तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल मून है, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करें। आप मेरे जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, एंजल ड्रीम 111 टैरोट बाई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप सर्च करें यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे टेक्निक्स मैंने 2 वीडियो में बताया है, तो उसको आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की आज के दिन की एनर्जी कैसा है, तो यहाँ पर बॉटम द डेक है एस ऑफ वैंस। ठीक है, तो आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट रहेंगे आज के दिन में, रोमांटिक फील करेंगे। ओके, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, स्पेशली जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं, तो आपको पता चलेगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपके पर्सन के साथ आपका टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप फील कर सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। आपको भी बहुत ज़्यादा उनको मिसिंग एनर्जी फील होगा, बहुत ज़्यादा आप दोनों की जो क्लोज मोमेंट है उनको आप याद करेंगे। ठीक है, जैसे आप दोनों पार्क में जाते थे, आप दोनों का एक अपना टाइम था, प्यार वाली जो टाइम था, उनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एनर्जी आपके पर्सन की है। अगर आप दोनों के बीच कोई ना कोई स्ट्रांग बॉन्ड है, टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ये आप फील कर पाओगे। और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, तो जैसे कि मैंने बोला, आप मैनिफेस्ट करें आज के दिन में। आपके पर्सन भी इतना ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों को आपको कि चीज़ें मैनिफेस्ट होगा। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ओके, और इमोशनल हो सकते हैं, अकेला टाइम स्पेंड करना उनको पसंद होगा, कुछ टाइम वो अकेला स्पेंड करेंगे, या फिर बिस्तर पे लेटे 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 वो सोचेंगे, डीप थिंकिंग में जा सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों ये सारे हो गए, रीज़न ढूंढने की बहुत कोशिश होगा। ठीक है, आज के दिन में ऐसा एनर्जी आपकी भी हो सकते हैं कि आप जब भी लेट रहे हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप डीप थिंकिंग करो। ओके, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचो, या फिर अपने पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोग के पर्सन आज के दिन वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो आज के दिन आपको कॉल मैसेज करते हैं या फिर स्पेशली जो लोग लेस कॉन्टैक्ट में हैं, अगर बातचीत होता है तो यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा कुछ आपको बोलेंगे, वो आपको लगेगा कि ये रिश्ता स्टेबल करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाने वाले हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए, कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि डीप थिंकिंग हो सकता है, कोई पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, स्पेशली जिनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे। जिनका थोड़ी बहुत बातचीत हो रहा है, बहुत प्यार है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स पैसा है या फिर कोई अदर पर्सन है, तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर आके आपके साथ ही लॉन्ग टर्म रिश्ता देख रहे हैं, तो वो प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर में कैसे इस रिश्ते को स्टेबल कर सके, कैसे आपसे शादी कर सके या फिर कैसे आपके साथ रह सके ज़िंदगी भर, उसके बारे में सोच विचार करेंगे। साथ ही साथ नेगेटिव थिंकिंग भी उनको आएगा आज के दिन में, ड्रीम में उनको कुछ नेगेटिव चीज़ें दिख सकते हैं। ओके, तो फुल मून है, न्यू मून है, जो भी मून हो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ जो है हमारे अंदर की डर बाहर आ जाते हैं, कुछ इल्यूजन क्रिएट होता है, डिवाइन टेस्ट लेते हैं कि आप कितना डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, और जो लोग एकदम से स्पिरिचुअल नहीं हो, डिवाइन से बिलीव नहीं करते हो, तो डिवाइन कई बार जो है अपनी तरफ खींचने के लिए आपको डराता है ड्रीम में, ताकि आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि जब वो आपको नहीं डराएंगे तब आप पूजा पाठ नहीं करोगे, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। अगर नेगेटिविटी से आपको बाहर उठना है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से आपको बाहर आना है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना होगा, डिवाइन की प्रोटेक्शन लेना होगा, पूजा पाठ करनी होगी, तो जिसकी वजह से डिवाइन कई बार जो है आपको डराता है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर वो स्टक है वहाँ से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स को लेके मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की क्या फीलिंग्स है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके लव्ड वन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके लव्ड वन क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ से भी मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ से भी मैजिशियन का कार्ड है, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपको बेहद मिस करेंगे गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आज के दिन में, और इतना ज़्यादा वो सोचेंगे आपको, इतना ज़्यादा मिस करेंगे कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है, इसीलिए मैजिशियन की एनर्जी आए हैं यहाँ पर। फाइव ऑफ वैंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पर देखिए मुझे, मैं पूछ रही थी आपके बारे में, तो यहाँ पर निकल कर आया है थर्ड पार्टी के बारे में। तो एनर्जी आज की ऐसा है कि आपके पर्सन स्पेशली जो लोग एकदम से नो कॉन्टैक्ट में हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो भी उनका पास्ट लाइफ कर्मा है, बैड कर्मा जिनके साथ भी एसोसिएटेड है, जहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से खुद को हैंग्ड महसूस कर रहे हैं, लटके हुए महसूस कर रहे हैं, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन था वहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे, साथ ही साथ मैंने जैसे कि पूछा था कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेके डे ड्रीम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि फ्यूचर को लेके प्लानिंग करेंगे, तो सेम एनर्जी यहाँ पर है, वो सपना देख रहे, डे ड्रीम कर रहे, सोच रहे कि आपके साथ उनका फ्यूचर कितना रंगीन होगा। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है और विद द विक्ट्री कार्ड, तो आपके साथ शादी चाहते हैं, आपके साथ ही वो सक्सेस देखते हैं, आपके साथ ही वो हैप्पीनेस देखते हैं, ओके, और आपके साथ लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे, चेंज करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर आप उनको मिल जाते हैं उनकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएगा, हैप्पी मैरिज लाइफ या फिर हैप्पी फैमिली वाली वाइब्रेशन आपके लिए है, तो इस सिचुएशन को सफल करने के लिए आपके पर्सन प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं।
फाइव ऑफ वैंस की एनर्जी क्यों आए हैं, किसके साथ फाइट हो रहा है। फाइव ऑफ वैंस एनर्जी प्लीज एंजल गाइड करें। फाइव ऑफ वैंस ओके, देखिए कुछ चीजों को एंड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। यस, सन ऑफ पेंटिकल। तो अगर आपके बीच ब्रेकअप सिचुएशन है, झगड़े की वजह से ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी ना किसी झगड़ा फाइट कोई भी हुआ था जिसकी वजह से रिश्ता एंड हो चुके थे, तो यहाँ पर कॉल मैसेजेस आने वाले हैं गाइस। एट ऑफ वैंस की एनर्जी है विद द डेथ कार्ड। अगर ब्रेकअप सिचुएशन था तो वो ब्रेकअप एंड हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहे हैं। डॉटर ऑफ वैंस, कोई ना कोई जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन आपको करने वाले हैं और ब्रेकअप सिचुएशन को यहाँ पर एंड करने वाले हैं, कॉल मैसेजेस को आने वाले हैं, ठीक। ब्रेकअप के नीचे ये कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है वो एंड हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आए हैं, देखिए चेंज आ रहे हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। एस ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस दिख रहा है कार्ड सबको, तो आपके तरफ एक पावरफुल शिफ्ट आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से भी विक्ट्री कार्ड आ गए हैं, इस डेक से भी बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री था जो कि बटरफ्लाई का कार्ड था, अभी दिखाया मैंने, सेम कार्ड यहाँ पर है। और दो दो एसेस आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, तो एक चेंज आ रहे, पावरफुल शिफ्ट आ रहे हैं। माय गॉड, अब देखिए मैंने तो नोटिस नहीं किया था, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ये बॉटम ऑफ द डेक था, नीचे था ना, तो देखिए सेम, तो मेजर लेवल पर न्यू बिगनिंग होने वाले हैं यहाँ पर, ओके। तो इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया था। मैजिशियन, मैजिशियन क्यों आए हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, इमोशनल है। सन ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, स्पेशली जो लोग सिंगल हो, ओके, आपका एज अगर 20 के नीचे है या फिर 20 के आसपास है, तो आपके पर्सन के कॉल मैसेजेस आएंगे गाइस। अगर आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, दूर चले गए थे, तो यहाँ पर कॉल मैसेजेस आएंगे और एक्शन लेंगे। वो स्पाई करते हैं, या फिर आज के दिन में वो हाय हेलो भेज सकते हैं, आपके ऊपर नजर रख सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, इस टाइप की वाइब्रेशन है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपके रिश्ते में। फुल मून का क्या गिफ्ट रिसीव होने वाले हैं, माय गॉड, गिफ्ट के बारे में। सन एंड मून कपल आ गए हैं, 31, 32 कपल के बीच रियूनियन के वाइब्रेशन बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, क्लेम करे, क्लेम। अभी अभी आया था सन ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ कप्स आया था ना, देखिए यहाँ पर भी कपल आ गए, ज्यादातर लोगों का रियूनियन की एनर्जी है। मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, देखिए लाभ की एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों का रियूनियन होगा गाइस। अगर झगड़ा हो गया था, ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, तो रियूनियन होने वाले हैं, फैमिली के बीच बातचीत होगा, इस टाइप के वाइब्रेशन है यहाँ पर। कार्ड अपने आप खुद के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और कोई मैसेज है क्या यहाँ पर, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा, मैंने कहा था ना, यहाँ पर देखिए ब्रिज की एनर्जी है, सेपरेशन। ब्रिज किसको दिखाते हैं, दोनों तरफ के रास्ते को जोड़ने के लिए बीज बनाया जाता है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी सेपरेशन आया था वो सेपरेशन एंड हो रहा है, काफिन की एनर्जी है, झगड़ा एंड हो रहे हैं, ओके। और यहाँ पर यूनियन के वाइब्रेशन है, जो भी आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स था वो ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं गाइस। कब तक होगा, 24 आवर्स के अंदर, 6 आवर्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6 डेज आप पकड़ सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें और क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में, और क्या हो सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में, प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके लव्ड वन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए फाइट करेंगे और मैसेज जेस्चर आते हुए ज़्यादातर लोगों को रिसीव होते हुए नजर आ रहा है। अगर आपके पर्सन आपको धोखा दिया था, भाग गए थे इस रिश्ते से, तो डेफिनेटली वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। देखिए बहुत क्विक वाली एनर्जी है, ग्रेट स्पीड, इवेंट्स दैट मूव विथ ग्रेट स्पीड। तो कोई पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं, या फिर बहुत जल्द कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई इवेंट्स भी हो सकता है। आपके पर्सन मुंह लटका के बैठे हैं,
ओके आपको दिख रहे हैं कि आप ग्रो करते जा रहे हो, काफी पैशनेट, कॉन्फिडेंट, चैरिस्मेटिक। यहाँ से भी विक्ट्री का कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को विक्ट्री रिसीव होगा रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रीडिंग रिलेशनशिप बेस हो रहा है, तो विक्ट्री आपको रिसीव होने वाले हैं। वाइज चॉइस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन एंड सक्सेस। तो कुछ लोगों को सक्सेस हासिल होगा, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जैसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रिलेशन को, तो यहाँ पर शादी वगैरह होने की चांसेस है। प्रोमोशन अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स, तो यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट हो स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, जो लोग कोई बहुत अच्छा काम किए हैं अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, प्रोमोशन भी आ सकता है आपके जॉब में, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस, न्याय होगा। वाइज काउंसिलर, डिवोर्स केस में अटके हुए थे तो रिजल्ट आपके तरफ आ रहे हैं, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है, दिस सन कार्ड के साथ। तो डेफिनेटली आप लोग लीगल मैटर में जैसे भी फंसे हुए थे वहाँ पर आपको छुटकारा मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। आने वाले 10 आवर्स के अंदर, 10 डेज के अंदर, ओके, जो भी लीगल मैटर चल रहा था यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होगा गाइस, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है ये दोनों कार्ड, नाइट ऑफ वैंस, नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के पर्सन बातचीत करके फिर से गायब हो सकते हैं, लेकिन हाँ कॉल मैसेजेस आने की ज़्यादातर लोगों की चांसेस है आज के दिन में, ओके। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगा, न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे न्यू बिगनिंग का कार्ड अभी अभी आया था, ओके। और कुछ लोगों को अपनी हार्डवर्क का रिजल्ट दिखेगा अपने करियर में या तो फिर लव लाइफ में, ठीक है। करियर, लव लाइफ, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन की फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उनका फाइनेंस सिक्योर्ड होगा, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, ओके। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते थे, बहुत कन्फ्यूज रहते थे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसके तरफ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको क्लैरिटी मिलने वाले हैं और वो खुद की दिमाग से सोच के एक सही डिसीजन लेंगे। और डिसीजन क्या होगा, न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट, किसके तरफ, आपके तरफ, क्योंकि वो आपके तरफ आ रहे हैं, तो जहाँ पर है वहाँ पर ही अगर कोई डिसीजन लेता तो आपके तरफ नहीं आता, मूवमेंट नहीं दिखता, मूवमेंट दिख रहा है मतलब आने की एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन चीट करके चले गए थे तो वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपके पर्सन किसी चीज़ में क्लैरिटी दे सकते हैं। किसी के साथ थोड़ा रूट कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका, या फिर आपके पर्सन की, तो थोड़ा अलर्ट रहे इस टाइम पे, बाकी सारे सब कुछ बहुत अच्छा है। विक्ट्री कहाँ पर मिलने वाले हैं, तीनों डेक से विक्ट्री आ चुके हैं, कहाँ पर विक्ट्री मिलने वाले हैं, शादी, देखिए विक्ट्री को क्लैरिफाई किया है शादी सेलिब्रेशन, तो बहुत जल्द शादी के कमिटमेंट मिलने वाले हैं। अगर एक दूसरे से मैरिड थे और यहाँ पर टावर आ गया था, झगड़ा हो गया था, एंगेजमेंट होने के बाद भी झगड़ा हो गए थे, सेपरेशन हो गया था अचानक से, कोई थर्ड पार्टी आके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए थे और आप दोनों का रिश्ता एंड हो चुका था, तो कॉल मैसेजेस आने वाले हैं। माय गॉड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। आपने काफ़ी टाइम से जिस रिश्ते के बारे में काम किया है वहाँ पर आपको रियूनियन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक कपल का हाथ है और यहाँ पर एंजल की प्रोटेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, दी लवर्स कार्ड है। और एम्ब्रेंस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट रिलेशनशिप, तो जिनका बातचीत हो रहा है रियूनियन होगा और प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा और रिकवरी आ रहे हैं आपके रिश्ते में। और यहाँ पर मैसेजेस की एनर्जी है, बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में आने वाले हैं और लव लाइफ के लिए कोई रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ओके। कुछ लोग यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर रहे थे तो यहाँ पर आपको करियर में भी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। बिजनेस ट्रैवल कर सकते हैं आपके पर्सन या फिर आप,
तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बहुत सारा रैपिड चेंजेस आ रहे हैं और ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है, कॉल मैसेजेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली लवर्स के साथ आया है। यहाँ पर फोर ऑफ वैंस के साथ आया है, तो मैरिड कपल के बीच में रियूनियन होगा, जो सिंगल है उनके बीच में रियूनियन होगा, बातचीत होगा, बात जो है कमिटमेंट तक, शादी तक जा सकते हैं गाइस। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर सिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले 6 डेज के अंदर आपको पॉजिटिव जो रिजल्ट है दिख जाएगा, 6 आवर्स के अंदर और 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर कॉल मैसेजेस आने की चांसेस है। तो गाइस ये था आज के दिन में रीडिंग, क्लेम करें, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।